इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगेन एग्रीगेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड कराता है फॉर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्टूडेंट्स को विद 100% जॉब असिस्टेंस। फ्रेंड्स, आप हमारे जैसे लैंड सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, क्यूए क्यूसी, फायर एंड सेफ्टी, स्ट्रक्चर डिजाइनर एंड मेनी मोर सॉफ्टवेयर कोर्सेज फॉर सिविल एंड स्ट्रक्चर एमईपी इंजीनियर्स के लिए आप हमारे यहाँ से परसू कर सकते हैं विद द लोएस्ट क्वांटिटी फीस। फ्रेंड्स, वी विल प्रोवाइड 100% जॉब असिस्टेंस टू अवर स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं एग्रीगेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है फ्रेंड्स? एग्रीगेट आर दोज इनर्ट मटेरियल व्हिच व्हेन बाउंड टुगेदर बाय सीमेंट एंड फॉर्म मोर्टार और कंक्रीट, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। अब फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट। तो फ्रेंड्स, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट इज, फर्स्ट साइज, सेकंड इज शेप, थर्ड इज टेक्सचर। अब फ्रेंड्स, इनके ऊपर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शेप, साइज, मतलब साइज ऑफ एग्रीगेट फ्रेंड्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। साइज ऑफ एग्रीगेट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड ऑल इन वन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट विच पास थ्रू 75 mm सीव्स एंड स्ट्रक अप टू 4.75 mm सीव्स, दैट इज कॉल्ड कोर्स एग्रीगेट। और 4.75 से और पास हो जाए और 0.075 mm पे जो अटक जाए, दैट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट। एंड उसके बाद ऑल इन वन एग्रीगेट मीन्स जो कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ टू, मीन्स फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, दैट इज कॉल्ड ऑल इन वन एग्रीगेट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स शेप ऑफ एग्रीगेट। शेप ऑफ एग्रीगेट में आता है हमारा राउंड एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, आपका फ्लैकी एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, राउंड एग्रीगेट ऑल्सो देयर। तो ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, शेप ऑफ एग्रीगेट। उसके बाद आता है टेक्स्चर। तो फ्रेंड्स, टेक्स्चर ऑफ जो एग्रीगेट होना चाहिए, दैट इज वी नीड अ रफ सर्फेस, मीन्स अगर रफ सर्फेस ऑफ एग्रीगेट है तो सीमेंट के साथ में अच्छा बाउंड करता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फोर्थ वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को फिर फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है फ्रेंड्स। एक तो है हमारा बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड द सेकंड वन इज अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड उसके बाद आता है फ्रेंड बल्क डेंसिटी। फिफ्थ इज बल्क डेंसिटी। हाउ विल यू डिफाइन बल्क डेंसिटी? तो फ्रेंड्स, बल्क डेंसिटी इज एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू फिल अ कंटेनर ऑफ यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। मीन्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड to fill a container of unit volume. It is also categorized in two categories, that is loose bulk density and the second one is rounded bulk density. इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ, आता है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन और यू कैन से एंड सरफेस मॉइस्चर। उसके बाद सेवंथ आता है फ्रेंड हमारा बकलिंग ऑफ सैंड। सेवंथ इज बकलिंग ऑफ सैंड, बकलिंग ऑफ सैंड। बकलिंग ऑफ सैंड क्या होता है फ्रेंड्स? बकलिंग ऑफ सैंड मीन्स इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस सरफेस मॉइस्चर अप टू सर्टेन एक्सटेंट, दैट इज कॉल्ड बकलिंग। मतलब सैंड की सरफेस इंक्रीज, उसका एरिया इंक्रीज होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस मॉइस्चर, दैट इज कॉल्ड बकलिंग ऑफ सैंड।
तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो था एग्रीगेट्स के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स के ऊपर। होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप या आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव शॉर्ट टर्म कोर्सेज परस्यू करना चाहता है इन टेक्निकल फील्ड में, तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।